वाह, ये सुप्रा क्या भाग रही है, स्पीड तो देखो एक बार। गाइस सर, आप लोगों का फिर से स्वागत है कार स्ट्रीट के एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज मैं अपनी सुप्रा को एकदम बीस्ट बनाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक सुप्रा फैन हो तो। और हाँ, जो लोग सुप्रा फैन नहीं है उन लोगों को वीडियो और ज्यादा देखना है, छोड़ के जाने का नहीं। ओके गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ गेम में और हमारे सामने खड़ी हुई है खतरनाक वाली सुप्रा। आई मीन ये सुप्रा अभी खतरनाक टायर पे है और मुझे इसको 20 टायर पे लेके जाने के लिए इसमें डालना होगा स्मोकी नगाटा की बॉडी किट। और उसका प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, आओ चलो देखते हैं कितना प्राइस है उसका। बट उससे पहले सुप्रा का ओजी साउंड तो सुन लो। हाँ भाई, क्या साउंड है, एक नंबर। चलो फटाफट से अभी एक पास के ट्यूनिंग शॉप पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ट्यूनिंग शॉप को मार्क कर दिया और मैंने अपनी सुप्रा को चलाते हुए लेके जाऊंगा, बिकॉज ये जो मेरी सुप्रा है क्लास 5 की सुप्रा है। ऊपर से मैंने इसको बहुत दिनों से नहीं चलाया तो चलाते हुए जाएंगे। आप लोग ना इस कार का स्मूथनेस देखो कितनी अच्छी तरीके से भाग रही है, बिकॉज इस कार में मैंने बहुत ज्यादा खर्चा किया, एक एक पार्ट महंगा वाला डाला, शायद ब्रेक नहीं लगे यार, ब्रेक भी अच्छा डाला है, सब कुछ बढ़िया है इस कार में। लोग अक्सर ड्रिफ्ट के लिए और रेसिंग के लिए अलग अलग कार यूज करते हैं, बट मेरी ये सुप्रा दोनों चीज कर सकते हैं। रेसिंग तो कर ही रही है, देखो ना स्पीड देखो भाई, 160 पे चल रही है, 170 पे चलेगी और साथ ही साथ ड्रिफ्ट भी मार सकते हैं। हाँ, आप लोगों को दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले देख के आते हैं कितना प्राइस है बॉडी किट का, फिर जब ट्यून में हो जाए फिर देखना कितनी बढ़िया ड्रिफ्ट मारती है ये कार भी। वैसे यार मैं भी तो ड्रिफ्ट के लिए अलग और रेसिंग के लिए अलग यूज करता हूँ। हाँ बोल, बट अभी से देखो सुप्रा यूज करूंगा, ठीक है, पहले देखने तो कितना प्राइस है। ये मैं आ गया ट्यूनिंग शॉप पे, देखो ड्रिफ्ट कैसे मारी है, थोड़ा सा गलती हो गया बट चलता है इतना। अभी चलो अंदर चल के देखते कितना प्राइस है बॉडी किट का। वैसे मेरे पास 150 गोल्ड है, देखते होता है उसमें या फिर नहीं। सबसे पहले चलते हैं बॉडी पे, और यहाँ पे पैसों में जो बॉडी किट सबसे महंगा ना वो तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, और ये हो गया सेकंड। फिर जो लास्ट में प्रो प्रो नाम का ये बॉडी किट है, ये है स्मोकी का बॉडी किट, बहुत ज्यादा महंगा भाई, 158 गोल्ड है, मेरे पास तो 150 है, 8 गोल्ड मुझे और चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रेसेस को प्ले करते हैं, मैंने तो आज इलेक्ट्रेसेस प्ले ही नहीं किया, तो यार वहां से फटाफट भी हो जाएगा, चलो करते हैं। फर्स्ट रेस आज मैं करने वाला हूँ DX7 के साथ। इसका ट्यून वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत मस्त कार है ड्रिफ्ट के लिए। मैं तो कहूंगा क्लास 3 में इससे बेटर कार हो ही नहीं सकती ड्रिफ्ट में। अगर आप लोग कोई दूसरा कार यूज कर रहे हो ना तो आप लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये बात मैंने ऐसे ही कहा है, प्लीज कोई दिल पे मत लेना। अभी ड्रिफ्ट पे आते हैं और आप लोग ऊपर स्कोर देखो, मुझे करना है टोटल 16,400 स्कोर करना है, लिटरली बहुत ज्यादा स्कोर है। वैसे रोड भी काफी ज्यादा लंबा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर दूंगा आराम से, 1000 स्कोर तो इतने में हो गया, तो यार क्या ही हार्ड होगा रे, 1300, 1400, 1800 भाई बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। हाँ भाई थोड़ा ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन वो जो हेलोविन अपडेट में आया था ना एक ग्लिच भाई, उसमें बढ़िया हो रहा था, कितना स्पीड से मेरा ड्रिफ्ट स्कोर अप हो रहा था, मतलब आधा रोड तुम जाओगे ना उसमें ही कंप्लीट हो जाता। जैसे अभी देखो मैंने किया है 4300 स्कोर इतने से रोड में, तो अगर वो ग्लिच रहता ना तो मैं यहाँ पे 8000 आराम से कर लेता, 8000 भी कम बोलो 10000 आराम से हो जाता, उसके बाद तो 6000 और बचे रहते वो भी हो जाता थोड़ी देर में। सामने एक टर्न है, यहाँ पे मुझे ध्यान से ड्राइव करना है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी टर्न्स वगैरह है ना भाई बहुत ज्यादा शार्प है, तो आप लोग ध्यान से ड्राइव किया करो, आई मीन ड्रिफ्ट किया करो, क्योंकि अगर आप लोग ड्रिफ्ट करते करते कहीं भी ठोक दे तो आपका ड्रिफ्ट स्कोर तो कैंसिल हो गया होगा, साथ ही वो जो स्टार्ट होगा ना वो थोड़ा सा और सामने जाके स्टार्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 8000 भी कर लिया, नहीं 9000 कर लिया, और यहाँ पे एक टर्न है शायद यहाँ से, हाँ यहाँ से भी, और मतलब देखो यार कितना स्मूथ ये ड्रिफ्ट देखना। अरे यार मतलब मुझे एक स्मूथ ड्रिफ्ट करना, एकदम स्मूथ हो, देखो यहाँ पे ये स्मूथ गया ना एकदम स्मूथ, यहाँ से थोड़ा सा और भाई पूरा करना है, हो जाएगा क्या, हो रहा है, कितना स्मूथ है लिटरली भाई, कितना स्मूथ है, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे से आता ना तो यार ये भी स्मूथ होता, बाकी यहाँ पे और एक टर्न, अरे नहीं यार टेस्ट नहीं माना था, ये गलती से हो गया। वैसे मैंने कितना स्कोर किया, 15,800 स्कोर किया, मतलब और 600 चाहिए बस, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 16,000 से भी ऊपर कर दिया स्कोर, देखो एक बार 18,000 से चल रहा है, 19,000 भी हो जाएगा और 20,000 भी शायद होने ही वाला है, हो जाएगा, हो गया भाई 20,000 हो गया, 2100 होगा क्या, 21,000 हो जाए बस, हो जाए, हो गया भाई आराम से, ये भी हो गया। और मुझे यहाँ पे शायद 2 गोल्ड या फिर 3 गोल्ड मिलने वाले, नहीं यार 2 मिला तो अभी और भी बहुत सारे रेस, चलो करते हैं इलेट रेस से पहले ना एक कार डिलीवरी मिशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये TRI है ऊपर से भाई, 2 गोल्ड भी मिलता है और आसान भी है मेरे लिए, एक झटके में मैं डिलीवरी कर देता हूँ, तुम लोगों को पता ही है। और STR मेरी ड्रीम कार भी है, तो एक बार देख लेते हैं कार स्ट्रीट वालों ने इस कार को कैसा मॉडिफाई किया है। वैसे देखो ऊपर से तो दिखने में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं किया है, बस कलर पेंट किया है, ग्रीन कलर का करके रखा है और कुछ भी नहीं यार, कुछ अलग बनाते इस कार को, नहीं कैलिपर जिन लोगों ने रेड कलर का किया और कुछ किया है भाई, और कुछ भी नहीं है, शायद कार बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो बट बाहर से देखो कुछ भी नहीं है। चलो अभी चला के भी देखते हैं कि ये कार अंदर से अपग्रेडेड है या फिर बाहर की तरह ही हाल है। बस एक्सेलरेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कार ना स्टॉक ही है, जितना मुझे ऐसा लग रहा है भाई, भाई साहब स्टॉक ही है यार,
स्टॉक डॉज ये धोखा हो गया, बट कोई बात नहीं, फटाफट से डिलीवरी करते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे दो दो गोल्ड मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे जाना है सामने, नहीं यार सामने नहीं जाना, राइट साइड पे जाना है, ये मैंने बाद में देखा, चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे जाना है लेफ्ट साइड पे और इतना ज़्यादा कार है ना दिक्कत आ जाती है। चलो यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है, हो गया, अभी मैं पूरा भगाऊंगा। सामने थोड़ा सा हाईवे है, आई मीन स्टेट रोड है, लेकिन एक मिनट ये का निकल जाएगा क्या यार? ब्रेक का मैंने अप्लाई किया था बट फिर भी टूट गया। कितना परसेंट डैमेज हो यार? 28% हो गया भाई। अभी किसी को जाना है तो चार्जेस चले जाओ यार। ये कार जाने वाला था बट रुक गया, सामने से एक कार जा रही है, ये कार तो निकल गया, ठीक है मैं भी निकल गया। अभी मुझे सामने से लेफ्ट लेना है और कोई कार प्लीज मत आ जाना अचानक से। ये ले लिया मैंने यहाँ से टर्न, ये देखो ये देखो ये बंदा आ रहा था लेफ्ट साइड पे, अगर मैं थोड़ा सा भी बाद में आता ना तो काम खत्म हो जाता यहाँ पे, बट अभी बच गया। कितनी बार बचाओ देखा आप लोगों ने। फिलहाल मेरी स्पीड 200 के ऊपर ही और सामने से मुझे यहाँ पे एक टनल है, कोई आमद जाना साला बार बार आए जा रहे हो कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ तो मुझे ब्रेक राइट साइड पे जाना है, लग जा ब्रेक लग जा प्लीज, लेफ्ट साइड पे ठोकना नहीं चाहिए, फिर से बचा, ठीक है। यहाँ से मुझे राइट और यहाँ पे लेफ्ट जाके शायद यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन शॉप है जितना मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ पे कोई शॉप है तो शायद थी, अभी छोड़ो यार पार्क कर दे। यहाँ से मुझे दो गोल्ड मिल जाएंगे और DX7 के वहाँ से भी मुझे दो गोल्ड मिल गए, टोटल चार गोल्ड मिल गए और मुझे चार गोल्ड चाहिए ना, तो क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं वो GTR के साथ एक रेस करते हैं भाई, वो बढ़िया रहेगा, तीन गोल्ड मिल जाएगा एक बार भाई। ओके गाइस मैं भी आ चुका हूँ अपनी मैक्स ट्यूनर GTR R35 के साथ इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। वैसे आप लोग यहाँ पे देखो खार एक सीट वाले कितने ज्यादा ने सुपरा MK5 को भेजा है मेरे साथ रेस करने के लिए। आप लोग को लगता है ये बंदा जीत पाएगा? भाई मैं ही जीतूंगा, आप लोग मेरे को जो भी कार दे दो भाई, नैनो भी दे दोगे ना उससे भी जीत जाऊंगा। वैसे अगर देना है तो यार वॉल्वो के X90 दे देना या फिर डॉज चैलेंजर दे देना, ठीक है। चलो चलो अभी रेस पे आता और आप लोग ऊपर स्पीड देखो भाई, 330 से मैं चल रहा हूँ, 334 जा रही वाली थी नहीं गई, ठीक है। अभी यार ना ब्रेक करते हैं यार, वो कर पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई, सुपर MK5 35 आने दो उसको, आने दो मैं आराम से चलता हूँ, एकदम 100 से जाऊंगा। ये कर सच में गायब हो गया क्या? मतलब आ ही नहीं रहा, देखो देखो नहीं, अरे आ गया भाई 100 में जाते ही वो आकर आ गया। भगाओ भाई यार, वेट भगाने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं स्पीड देंगे और फिर से रुक जाएंगे, ठीक है। स्पीड देंगे फिर से रुक जाएंगे, उस कार को आने देते, वो तो फुल स्पीड में आ रहा है, हम थोड़ा सा रुक रुक के आएंगे, ठीक है। 200 से ऊपर गई अभी रोक देंगे, एकदम स्पीड देने का ही नहीं है, बट यार कभी कभी ना ये लोग गद्दारी करके आगे निकल जाते हैं, पता नहीं कैसे यार ठोक ठाक के आगे निकल ही जाते हैं, तो यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे रिस्क लेने का मन भी है बट लेना नहीं चाहता, मन भी है लेना नहीं चाहता। गाइस आप लोग अभी देखो मैं एकदम फिनिश लाइन के पास आ चुका हूं, बट सुपरा MK5 का कोई आ लगता आप भाई आ रहा है, भागा भाई जल्दी भागा, हो गया क्या? हाँ हाँ जीत गया भाई, बच्चा तू तो बचा था यार, पहले मैप पे देखा नहीं है बट अचानक से कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला। अभी ना मुझे बस एक ही गोल्ड चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा? S14 के साथ रेस करने पर। बट आप लोग मेरे S14 का लुक देखो, ये कितना ज्यादा बेकार लग रहा है, सीरियसली मेरी उल्टी आ जाती है भाई इसको देख के यार। और एक बंदा ने कमेंट भी किया था कि S14 को एक मिनट के अंदर ही अंदर बेकार कैसे बनाया जाए, कोई मुझसे सीखे। हाँ कहीं ना कहीं ठीक भी है, बिकॉज देखो ना लोग देखो भाई बहुत ज्यादा बेकार है बॉडी किट के साथ। और यहाँ पे ना पूरी गलती मेरी नहीं है, कार एक्सट्रीट वालों को भी है, क्योंकि कार एक्सट्रीट वालों ने कोई अच्छा बॉडी किट डाला ही नहीं है। मैं आप लोगों को सारे के सारे बॉडी दिख रहा हूँ, तब आप लोग देखना मतलब कौन सा बॉडी किट अच्छा है, आप लोग ही देखो। ये लास्ट वाला बॉडी किट प्राइस देखो गोल्ड में मिल रहा है और ये भी बेकार ही है, आप लोग मान के चलो। उसके बाद ये वाला भी देखो, ये ठीक ठाक है कहीं ना कहीं बट ये गोल्ड में। उसके बाद ये जो बीच वाला है ये मैंने डाल के रखा है भाई, ये भी बहुत ज्यादा बेकार है, तो आज मैं डालूंगा ये सेकंड वाला। देखो आप लोग इसमें रेटिंग उतना ज्यादा नहीं है, यही प्रॉब्लम है, बाकी तो देखो मैं कोई भी बॉडी किट डाल सकता हूँ, ठीक है। रेटिंग उनमें ज्यादा मिलता है इसलिए मैं वही डालता हूँ। न्यू बॉडी किट तो मैंने डाल दिया, अभी मैं अपने कार को पूरा मॉडिफाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग मुझे बताना पहला वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा था या फिर ये न्यू वाला, ठीक है। तो फटाफट अपने कार को मॉडिफाई करते हैं। कार को पूरा मॉडिफाई करने के बाद ये रही आप लोगों के सामने कार का न्यू लुक, आप लोग बस देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो भाई एक नंबर लग रहा है। आप लोग मुझे बताना क्या ये लुक ज्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर पहले वाला। आई फटाफट से यहाँ से चलते हैं। अबे भाई अंदर है क्या, देख के चला कर रोड में, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। चलो चलो अभी रेस पे आते हैं। यार ये S14 क्या लग रही है भाई, प्लीज यार बताओ कैसी लग रही है, मुझे सुनना है भाई, प्लीज यार कमेंट में बताओ ये S14 कैसी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना सुपरा से भी अच्छा ये कार लग रही है, मैंने अभी कस्टमाइज नहीं किया बट ऐसा लग रहा है भाई उससे भी ज्यादा अच्छा ये कार बनी है भाई, क्या लग रही है। आप लोग एलॉय देखो यार, रिम्स देखो क्या ग्लो कर रही है, रेड कलर के साथ पूरा GDM कार लग रहा है। और ड्रिफ्ट तो देखना भूल ही गए यार, ड्रिफ्ट भी क्या मस्त हो रहा है इस कार के साथ। भाई वेट ये उछलता रहता है, एक बार हो गया ना गलती से हो जाता है, मतलब ये क्लास 2 की कार है समझ ही सकते हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होता रहता है।
चला भी नहीं होगा। ठीक है, वैसे इस रेस को कम्पलीट करने के लिए मुझे करना है 4200 स्कोर और मैंने किया है 1400 स्कोर। बट कोई बात नहीं यार, 49 सेकंड अभी बचे हुए, मैं आराम से कर लूंगा। 4200 स्कोर ही है ना, 22 सेकंड ही बचे हुए और मैंने किया है 3500 स्कोर। और कितना बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ, ये भी हो जाएगा क्योंकि यार 18 सेकंड बचे हुए ना, तो 4200 गया, 4200 तो ऊपर ही हो जाएगा, 5200 होने वाला है। रुको मैं देखता हूँ, ये हुआ 4500, 4600, 4900, 5000 हो गया, 5200 हो जाए प्लीज यार, बोला है। चलो 5200 भी हो गया भाई, एकदम आसान है। स्पोर्टिंग के साथ ये वाला क्लब क्या नाम था, सेवेज क्लब, हाँ सेवेज क्लब है। और यहाँ पे फाइनली इस रेस को भी कम्प्लीट करने के बाद मेरे पास अभी हो चुका 158 गोल्ड। जल्दी से बैक करके शोरूम पे चलते है। 150 गो उन्हें यार, 158 गोल्ड क्यों नहीं हुआ अभी मुझे याद आ गया। रुको भाई, मैंने 3 गोल्ड S14 में फूंक दिए, तो यार अभी मुझे गोल्ड फिर से कलेक्ट करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट के रेस अभी भी बचे हुए, ए डॉट के साथ एक रेस है, यहाँ ये रहा ना, जल्दी से करते हैं। बट यहाँ से ना एक ही मिलने वाला है और दो में AMG के साथ कर लूंगा। रुको पहले इस रेस को कंप्लीट करते हैं भाई, बहुत ही आसान रेस है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग बस गेम प्ले देखो। ये कार ना भी फर्स्ट गियर पे नहीं, सेकंड गियर पे चली गई ना, तो सेकंड गियर पे भी मस्त ड्रिफ्ट होगा। ऊपर स्कोर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, आराम से बनने वाला 4500 तो ऐसे ही हो जाएगा, चुटकी बजा था भाई, मैंने बोला है ना आराम से होगा तो होगा। ऊपर स्कोर देखो, 1000 भी हो गया, 1200 भी हो गया, 1300 भी हो गया, 1400 भी हो गया, 1700, तो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है यार। रुक जा आराम से बढ़, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा आराम से बढ़, मुझे पढ़ने दे। देखो 3000 भी हो गया इतनी देर में, और बस 1500 चाहिए, वो भी हो जाएगा। देखो 4000 भी बस होने ही वाला है, हो गया मान के चलो, हो गया मान के चलो ना तुम, देखो हो गया। मुझे जितना लगता है ना, इससे आसान ड्रिफ्ट क्लब कोई हो ही नहीं सकता। 4000-5000 जितना ये लोग करने देंगे उससे तुम ज्यादा ही करोगे, मुझे पता है। और आप लोग रोड देखो ना, बहुत ज्यादा लंबी रोड देते हैं और इतना लगता भी नहीं। ऊपर से मैं यहाँ पे डॉट चार्जर यूज कर रहा हूँ, ओल्ड वाला, तो मेरे लिए एकदम मस्त रहता। चलो यहाँ से भी एक गोल्ड मिल गया, अभी बस दो और गोल्ड चाहिए जो कि मुझे मिलने वाला है AMG से। जैसे लेफ्ट साइड वाले बंदे को देखो, एकदम बेकार से कार लेके AMG के साथ बराबरी कर रहा है। और ड्राइवर भाई मैं हूँ, मेरे पास नाइट्रो एकदम बोले तो एकदम दबा के यूज करेंगे, और जब भी मैं इसका यूज करूंगा ना, पीछे वाले बंदे मेरे टेल लाइट भी नहीं देख पाएंगे। वैसे ये कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि यार मेरे पास है AMG भाई, इसका ना एक्सप्लोजन एकदम बेकार है, बेकार से भी बेकार, मैं जितना कहूँ ना उतना बेकार है। अगर मैं नाइट्रो का यूज नहीं करता ना, तो वो कार मेरे से आगे निकल जाता है, इसलिए मैं नाइट्रो का यूज करता हूँ हर रेस में। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इस क्लब के अंदर ना कोई दूसरी कार को ऐड कर लेते, जैसे सुप्रा हो गया, BMW M2 हो गया, या फिर अगर आप लोग कोई न्यू कार के बारे में बोल दो तो उसको मैं परचेज करके अपग्रेड करके इस क्लब में ऐड कर दूंगा। तो जिस भी कार को आप लोग इस क्लब के अंदर देखना चाहते हो उसका नाम प्लीज कमेंट में बता के जाना। अभी फिर से रेस पे आते हैं, बातों में मैं इतना स्पीड से आ गया, उन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। मैप पे देखो हर एक रेस में हो रहा है, मतलब कहा जाते हैं ये लोग वही जाने। एक बंदा ना बहुत तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको आने दो क्योंकि यार रेस तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं आराम से कम्प्लीट कर लूंगा। और ये रहा, मैंने कम्प्लीट भी कर लिया, मुझे यहाँ से मिल गए 2 गोल्ड और मेरे पास टोटल हुए 158 गोल्ड। अभी ज्यादा देरी ना करके अपने सुपरा को लेके चलते ट्यूनिंग शॉप और बॉडी गेट डालते स्मोकी का। ये मैं आ गया ट्यूनिंग शॉप पे, उसके बाद बॉडी पे, और ये रहा लास्ट में स्मोकी का बॉडी किट जो कि मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हेडलाइट पे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इसका प्राइस ज्यादा क्यों है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। देखो पता नहीं कार स्ट्रीट वाले क्या अजीब अजीब चीजें डालते रहते हैं। चलो चलो, इसको मैं बड़ा बड़ा मॉडिफाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कार को पूरा मॉडिफाई करने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ अपग्रेडेशन शॉप पर। यहाँ पे आप लोग देख लो, मैं अपनी सुप्रा को क्या ही ट्यून करूँ, मेरी सुप्रा पहले से ही ट्यून की हुई है। यहाँ पे सब कुछ मैक्स है भाई, जितना पैसा हो रहा था मैंने ऑलरेडी मैक्स करके रख दिया, तो यहाँ पे और कुछ तो मैं कर नहीं सकता। अभी यहाँ से निकल के थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। गाइस ये देखो सुप्रा का फाइनल लुक, और मुझे भी बताना क्या ये सुप्रा स्मोकी नगाटा की सुप्रा की तरह लग रही है या फिर नहीं। देखो यार लग तो रही है, बट इसका जो कलर है ना उसका कलर की तरह मैच नहीं कर रहा, बिकॉज वो कलर मैं करता, बट मेरे पास गोल्ड नहीं है इसलिए उस कलर को हम बाद में करेंगे, अभी येलो कलर के साथ ही काम चलाते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना आप लोगों से कि ये सुप्रा ड्रिफ्टिंग भी कर सकते, तो आप लोग देखो मैंने ट्रांसमिशन में कुछ भी नहीं किया है, बट फिर भी देखो ये कितनी बढ़िया ड्रिफ्टिंग कर रही है। हाँ थोड़ी बहुत ठुक रही है, बट इतना तो चलता है यार, ये तो मेरी वजह से हो रहा है, बट ड्रिफ्टिंग देखो ना रेसिंग के साथ कितना बढ़िया ड्रिफ्ट हो रहा है। अभी चलो इस कार के साथ थोड़ा बहुत रेसिंग भी करके देखते कि इस कार का परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले मैं एक रेस ढूंढ लूं जो कि मुझे यहाँ पे मिल गया है, ये रहा ना एकदम सीधा रेस है, आप लोग बस देखो एकदम सीधा जाना है। और यहाँ पे मैं टॉप स्पीड पे चेक कर लूंगा इस कार का। ठीक है गाइस, रेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और एक्सेलरेशन देखो मतलब ठीक ठाक एक्सेलरेशन है, उतना भी कुछ खास नहीं है जैसा कि मुझे पता था। 100 तो पहुंच गई, 140, 160, 170, 180 चल भाई। अबे यार ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं,
दिमाग खराब कर दिया भाई, कितना ज्यादा स्लो हो गया मैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नाइट्रो फ्यूल हो रहा है तो उसका भी मुझे यूज करना है। वैसे अपनी स्पीड कितनी है, 220, 230, 240। चलो भाई स्लो हो गई, अभी नाइट्रो का यूज करते हैं, अभी देखते हैं। 240, 250, 260। चल ले सुपरा, चल यार कर ले। 280 भी चलेगी, आप लोग ऊपर स्पीड देखो, 280, 84, 85। चल 8 नहीं, अभी स्लो हो रहा है। ठीक है नाइट्रो का यूज करेंगे। अबे मैं देखता नहीं, सामने स्पीड पे ध्यान था मेरा। अबे रेस भी भाई बहुत ज्यादा स्लो हो गया अभी तो। चलो फिर से वही भाई, कोई बात नहीं कर लेंगे हम फिर से। सुपरा को मैंने क्लास 5 का किया है, फिर भी यार एक्सेलरेशन उतना भी कुछ खास नहीं है, बट क्या कर सकते यार, यही है कार एक्सचेंज वालों ने दिया है तो क्या कर सकते। चलो नाइट्रो भी फिर से फुल हो रहा है, फुल हो जाए यार, यूज करना है तेरा मुझे, सामने यहीं पे यूज कर देता है। वैसे मेरा स्पीड कितना है, 250, 260। चल चल सुपरा, 300 करना है तुझे, चल भाई 260 यार बहुत स्लो चल रहा था ये। मेरी स्पीड अभी 270 और सामने एक टर्न है, मैं अपनी स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करने वाला। देखता हूँ ये सुपरा टर्न ले पाती है या फिर नहीं। ज्यादातर कार तो यहाँ पर टर्न ले नहीं पाती, ठुक जाते हैं, बट देखते हैं सुपरा के साथ क्या होता है। मैं अपनी स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करने वाला, उल्टा मैं स्पीड दे रहा हूँ, बचा यहाँ से बचा। हो गया भाई, सुपरा का हैंडलिंग तो अच्छा है। अब यहाँ पे रेस भी बस खत्म होने ही वाली है, देखते हैं मैं किस पोजीशन पे आया सुपरा के साथ। वैसे देखो 3 पे आए हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे दो दो बार ना ठोकता शायद मैं 1 नंबर पे आता या फिर 2 नंबर पे। सुपरा पे मैंने स्मोकी का बॉडी किट भी डाल दिया और उसके साथ एक रेस भी कर लिया, बट अब बारी है रोड रनर क्लब में उस कार को ऐड करनी। तो फटाफट से एक रेस करते हैं, देखते हैं सुपरा की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस रेस के अंदर। अगर अच्छी रहती ना तो मैं C70 की जगह इस कार को यूज करूंगा नेक्स्ट। 3, 2, 1। अरे 1 हो जा भाई, सुपरा भाग। चलो चलो चलो, इस कार को मुझे आगे जाने नहीं देना, मुझे जाना है। नाइट्रो तो देखो है भाई, यूज करेंगे बट अभी नहीं, टर्न है ना यहाँ पे, यूज करेंगे क्या फायदा। चलो चलो ये कार जा रही है, वैसे ये कार कौन सी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मर्सिडीज की वो जो GS1 कार है ना, बहुत हेवी कार है, मसल कार तो नहीं है बट हेवी कार है, वो कार है शायद, बट देखते यार इसको तो मैं आगे जाने नहीं दूंगा। आप सभी ना मैप देखो, ऊपर कैसा सांप की तरह है, कभी इधर कभी उधर, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज टर्न लेने में मेरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये तो सुपरा है ना, हैंडलिंग भी अच्छी है तो टर्न ले लूंगा मैं आराम से। और ये बंदा पीछे से ठोक रहा है भाई, मत ठोक यार। सामने एक और टर्न और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ड्रिफ्टिंग कर दूं, बट पीछे वाली कार अगर सामने निकल गई ना मैं उसको ओवरटेक कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज यार वो बहुत ज्यादा प्रो है। और आप लोग भी देखो ना कैसे पीछे लग लग के चल रहा है, थोड़ी सी भी दूरी नहीं है, एकदम लग के चल रहा है। देखो देखो ब्रेक मार रहा हूँ और आके आ रहा है। चलो यहाँ से मैं, अबे भाई ठीक है बच गया यार, ये ट्रक था ना यहाँ पे ठुक जाती। और ये शायद थोड़ी सी सीधी रोड है सामने, रुको यहाँ पे सामने जाकर और एक टर्न, उसके बाद हल्की सी सीधी रोड है वहाँ पे भगाऊंगा मैं। यहाँ से ड्रिफ्टिंग मारते हल्का था, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अगर डिसबैलेंस हो गई ना पीछे वाली कार आगे निकल जाएगी। और अभी तो रेस ज्यादा बची भी नहीं है तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए डिसबैलेंस मत होना प्लीज। नहीं हुआ भाई, अभी पूरा भगाते हैं। सामने एक और लास्ट टर्न है, वहां पे ड्रिफ्ट मारूंगा फिर यार विन भाई, मैं जीत जाऊंगा। और ये कार देखो अभी भी मेरे पीछे, ये एक बार भी नहीं ठोका इसने, मतलब क्रैश होने की बात करो, बट कोई बात नहीं, ये बंदा भी क्या ही हराएगा मुझे, कितना स्पीड से मैं जा रहा हूँ। और ये देखो रेस भी जीत लिया आराम से। अभी गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।